अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, नूरानी खबरों में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, पूरी दुनिया में हमारा मुल्क हिंदुस्तान अपनी ऐतिहासिक धरोहर के लिए जाना जाता है, जिसमें ऐतिहासिक इमारतों से लेकर दुनिया जहान की चीजें शामिल हैं। लेकिन कई चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम कभी कभार और जहां तहां देखते हैं। इनमें विंटेज कारें भी शामिल हैं। विंटेज कार ऐसी ही अनोखी धरोहर हैं जिसमें भारत दुनिया के पहले पायदान पर है। आज हम आपको कुछ ऐसी ही अनोखी और ऐतिहासिक एंटिक कारें दिखाने जा रहे हैं। चलो जी, चलो चलो जी। चलने नहीं देते। इन एंटिक कारों का जलवा दिल्ली के अशोक बिहार इलाके में देखने को मिला। अरे भाई साहब, आगे से तो बताओ यार। की है इसका जो सबसे बढ़िया जो बात हमारे को लगी है वो ये लगी कि जो हमारे इलाके के सलम के गरीब बच्चे थे उनको गाड़ियों में बिठाया, जो बच्चे कभी आज तक गाड़ी में नहीं बैठे, और वो ऐसी गाड़ियों में बैठे जिस गाड़ी में बैठने के बड़े बड़े लोग तरसते हैं। तो ये बहुत अच्छा लगा जो उन्होंने गरीब बच्चों को बिठा गए, उनके बीच की जो अमीर गरीब के बीच की जो दूरी खत्म की है। हाँ। ये काबिले तारीफ है। हम जो जिन्होंने प्रोग्राम किया है उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अशोक विहार में पहली बार विंटेज कार रैली का आयोजन किया जा रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ इन सारी पुरानी कारों को देखकर बहुत खुश हैं और बहुत अच्छा प्रयास है ये। जिस तरह विंटेज कार रैली जो अब से पहले सिर्फ नई दिल्ली या कनॉट प्लेस जैसे एरिया में थी, एक बहुत अच्छी हमारी धरोहरों के बारे में हमें एक चीज़ें दिखाई जाती हैं। हमें बहुत खुशी है और हम आशा करते हैं इन आयोजकों से कि ये प्रत्येक वर्ष हर वर्ष इस तरह का आयोजन करते रहे, जिससे अशोक विहार की शान बढ़ती रहे। धन्यवाद। इस आयोजन की सबसे खास बात ये रही कि आयोजकों ने इसमें स्लम एरिया के गरीब बच्चों को भी इन ऐतिहासिक कारों का लुत्फ उठाने का मौका दिया। नाज़रीन, ये कारें हमें न सिर्फ अपने आप पर फक्र करने का मौका देती हैं, बल्कि बीते दौर की याद भी ताजा कराती हैं। नाज़रीन, इन कारों ने अंग्रेजी हुकूमत की सड़कों पर फर्राटा भरते हुए आजाद भारत की तस्वीर भी देखी है, और आज ये नई पीढ़ी के लिए किसी अजूबे से कम नहीं है। ये लग्जरी कारें हमें इतिहास के उस दौर की याद भी दिलाती हैं जब हुकूमत भले ही अंग्रेजी रही हो, लेकिन हिंदुस्तान और उसकी अवाम की हनक भी
कुछ कम नहीं थी। सबसे अच्छा ये कॉज है जो हमने रखा कि जितनी भी गाड़ियां हैं एक बड़े हाई क्लास सोसाइटी के द्वारा प्रिजर्व की जा रही हैं, काफ़ी कॉस्टली पड़ती हैं लोगों को, और हमने जो सबसे अंडर प्रिविलेज बच्चे थे, जो गरीब बच्चे थे, उनको इस गाड़ी में बिठा करके वो गैप कम करने की कोशिश करी है। विंटेज गाड़ियों का जो खजाना हिंदुस्तान के पास है वो बाहर नहीं है। ट्रैफिक पुलिस से आए हुए और से निवेदन, थोड़ा ट्रैफिक मैनेजर, कुछ एक गाड़ियां यहां पर जो सबसे आगे ऑस्टिन की छोटी गाड़ी खड़ी देखी है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी खजाना है, क्योंकि इस किस्म की गाड़ियां अब कहीं बाहर यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में किसी भी रैली में देखने को नहीं मिलती। ये अशोक विहार के लिए बड़ी गौरव की बात है, पहली बार ऐसा प्रयास अशोक विहार में किया है और निरंतर ये होगा ऐसा भी कहा जा रहा है। मैं समझता हूँ कि अशोक विहार में बहुत सारे लोगों के पास में इस ढंग की विंटेज कार्स हैं जो दिल्ली में पहले इंडिया गेट के पास में हमेशा हर साल चलाई जाती थी, लेकिन इस बार अशोक विहार में हुआ है तो ये अशोक विहार के लिए बड़े फख्र की बात है और हम बहुत खुश हैं। जिन लोगों ने इसको ऑर्गेनाइज किया है उनको मुबारकबाद है, उनका अभिनंदन भी है और उनको धन्यवाद भी। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और नाज़रीन हमारे वीडियो को शेयर करना तो कतई न भूलें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल नूरानी खबरें सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को अभी दबा लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, साथ में बने घंटी वाले आइकन को दबाना तो कतई न भूलें। अल्लाह हाफिज।